हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन वन, द अर्थ आवर होम। सो अप टू हियर वी हैव स्टडीड अबाउट अर्थ आवर होम। व्हाई वी कॉल अर्थ आवर होम, अर्थ को, पृथ्वी को हम अपना घर क्यों बुलाते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी दिस टॉपिक, शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पृथ्वी का आकार। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज फुटबॉल। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो पीपल डिडंट नो दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। पृथ्वी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, गोल होता है, लाइक अ ह्यूज फुटबॉल, एक बड़े से फुटबॉल की तरह राउंड होता है, गोल होता है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों साल पहले लोग ये जानते नहीं थे कि अर्थ जो है वो राउंड होता है। सैकड़ों साल पहले लोग ये जानते ही नहीं थे कि अर्थ कैसा होता है, राउंड होता है। दे थॉट दैट इट वॉज फ्लैट, वो लोग क्या सोचते थे कि अर्थ फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट होता है, प्लेन होता है, फ्लैट, वो गोल आकार का नहीं होता है, ऐसा वो सोचते थे, लोग सोचते थे बहुत पहले। दे थॉट दैट इट वॉज फ्लैट, सो दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। दे थॉट दैट इफ दे ट्रेवल्ड टू फार they would reach the end of the earth and fall down from it. वो लोग सोचते थे कि earth जो है वो flat होता है, round नहीं होता है, इसलिए वो लोग डरते थे। जब भी कहीं दूर जाना होता था तो वो लोग दूर जाने से डरते थे, दूर कहीं travel करने से, यात्रा करने से डरते थे। they thought, वो लोग सोचते थे कि अगर उन्होंने कहीं दूर ट्रेवल किया, बहुत दूर कहीं वो लोग अगर जाते हैं तो वो लोग अर्थ के एकदम एंड में पहुंच जाएंगे। एंड मीन्स लास्ट, एकदम ख़त्म होना, जहां अर्थ ख़त्म होता है। तो अर्थ तो ख़त्म कभी होता ही नहीं, अर्थ तो राउंड होता है। तो वो लोग सोचते थे कि अर्थ, अगर अर्थ फ्लैट होता है, वो लोग ऐसा सोचते थे, तो इसीलिए वो लोग डरते थे कि अगर दूर कहीं वो लोग जाएंगे, ये वो लोग का सोचना था। वो लोग ऐसा सोचते थे कि वो लोग के माइंड में, दिमाग में ऐसा चल रहा होता था कि वो लोग यहाँ से दूर कहीं जाएंगे तो एक एक समय के बाद वो लोग गिर सकते हैं, क्योंकि अर्थ फ्लैट होता है तो एक समय के बाद वो लोग गिर सकते हैं। बट ऐसा नहीं था। इट वॉज अबाउट 500 ईयर्स एगो दैट सम ब्रेव सेलर्स स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग वॉयज। 500 साल पहले कुछ बहादुर सेलर्स थे जो कि 500 साल पहले उन्होंने यात्रा स्टार्ट की। वॉयज मीन्स यात्रा, वॉयज को बोलते हैं जल यात्रा, जो सी में यात्रा होती है, शिप वगैरह में उसको बोलते हैं, या स्पेस में ऊपर, या शिप में उसको बोलते हैं वॉयज। तो लंबी यात्रा पे वो लोग गए। कौन लोग गए? सेलर्स मीन्स नाविक। सेलर्स हम उनको बोलते हैं जो शिप में काम करते हैं, जो शिप में अलग अलग काम करते हैं, शिप चला के ले जाते हैं, और शिप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो, जिसके अलग अलग काम होते हैं, तो वो सेलर्स होते हैं, नाविक। ओके, तो कुछ बहादुर सेलर्स थे जिन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। फर्डिनेंड मैंगेलन, अ ब्रेव सेलर फ्रॉम स्पेन, एक फर्डिनेंड मैंगेलन था जो कि बहुत बहादुर नाविक था, बहुत बहादुर सेलर था। वो कहाँ से था? स्पेन से था। स्पेन एक जगह है, वहाँ से था फर्डिनेंड मैंगेलन, और वो बहुत बहादुर सेलर था। उसने क्या किया? उसने फाइव शिप्स लिया एंड मैनी सेलर्स, और अपने साथ बहुत सारे सेलर्स को लिया, बहुत सारे नाविक को साथ में लिया। He started sailing towards the west. तो फर्डिनेंड मैंगेलन ने
5 ships लिया और बहुत सारे sailors भी उनके साथ थे और फिर वो लोग सब मिलके start किए अपना journey, sail करना start किए, okay, towards the west, west की तरफ जाना start किए. Magellan kept on sailing in the same direction without taking a turn. Magellan जो है वो सेम डायरेक्शन में मीन्स वेस्ट की तरफ जा रहा था, तो वेस्ट की तरफ ही वो सेम डायरेक्शन में जाते गया. जैसे कि ये मैप होता है ना इंडिया का, ठीक है, इंडिया का मैप है, तो हियर इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो वो वेस्ट की तरफ जाते गया जा रहा था वेस्ट की तरफ, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था विदाउट टेकिंग अ टर्न. वो मुड़ा नहीं, टर्न मीन्स मुड़ना, वो सेम डायरेक्शन में सीधा वेस्ट की तरफ जाते गया बट वो मुड़ नहीं रहा था. इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी, वो ये बहुत ही उसके लिए, उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल जर्नी थी, मुश्किल यात्रा थी. After sailing for 3 years, he reached the same place from where he had started. Means 3 साल चलने के बाद, 3 साल ship में यात्रा करने के बाद वो कहाँ पहुँचे, उसी जगह में पहुँच गए थे जहाँ से उन्होंने यात्रा start की थी, जहाँ से उन्होंने ship चलाना start किया था वे उसी जगह में पहुँच गए 3 साल चलने के बाद. This long journey proved that the earth is round and not flat. इस लंबी यात्रा से ये साबित हो गया, proved means साबित हो जाना, तो ये प्रूव हो गया कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो राउंड है, फ्लैट नहीं है. Science has made a great progress. We know a lot about the earth. Two astronauts from America were the first to land on the moon. They were Neil Armstrong and Edwin Aldrin. So, here is written, Science ने बहुत तरक्की की है. Science ने बहुत तरक्की की है. We know, हम सब Earth के बारे में, पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जानने लग गए हैं, बहुत कुछ जानते हैं. टू एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि अमेरिका से थे, वो सबसे पहले चांद पर उतरे थे, सबसे पहले चांद पर गए थे. टू एस्ट्रोनॉट्स जो कि अमेरिका के थे, वो सबसे पहले लैंड किए थे मून पे. दे वेयर कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन. फ्रॉम द मून, जब वो लोग मून पे गए, दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, तो वो लोग अर्थ का बहुत सारा फोटोज लिए, बहुत सारे पिक्चर्स लिए मून से अर्थ के. सैटेलाइट्स हैव आल्सो टेकन पिक्चर्स ऑफ द अर्थ. सैटेलाइट्स जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक मशीन की तरह होता है, जो कि लोगों के द्वारा बनाया जाता है, फिर उसे स्पेस में भेजा जाता है. सैटेलाइट्स भी बहुत सारे पिक्चर्स लिया अर्थ का. दीज फोटोग्राफ्स क्लियरली शो दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. इन फोटोग्राफ्स से क्लियरली पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि अर्थ जो है वो राउंड होता है, बॉल की तरह. इफ वी लुक आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग, द लैंड एंड द स्काई सीम टू मीट एट अ डिस्टेंट पॉइंट. लिखा है कि अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, अगर ऊपर बिल्डिंग से देखते हैं, तो ऊपर ऊंचे बिल्डिंग से देखते हैं, तो हमें कैसा दिखेगा कि लैंड और स्काई एक जगह पे मीट करेगा. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये नीचे से, ये ऊपर से ऐसे आएगा तो यहाँ पर जाके मिल जाएगा. तो हमें जहाँ लग रहा है कि ये मिलेगा, उस जगह को बोलते हैं हॉरिजन. द प्लेस वेयर दे सीम टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिजन. सी हियर वन बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग.
ये बिल्डिंग के ऊपर में हाई बिल्डिंग में यहाँ खड़ा है और ये देख रहा है कि ये नीचे लैंड है, ऊपर स्काई है, तो ये किस जगह आके मिलेंगे। तो उसको लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगा ये, तो जहाँ लग रहा है कि इस जगह पे आके मिलेंगे उसी जगह को हम बोलते हैं हॉरिजन। एक्चुअली द लैंड एंड द स्काई नेवर मीट, इफ वी मूव टुवर्ड्स द हॉरिजन इट विल सीम टू मूव फार्दर अवे। अगर हम एक्चुअली जो है लैंड और स्काई कभी मिल ही नहीं सकते, लेकिन हमको लगता है कि वो इस जगह में मिल जाएंगे, हमको लगता है कि ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएंगे तो इस जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन लैंड और स्काई कभी मिल नहीं सकते हैं। इफ वी स्टैंड नियर अ सी शोर द वाटर एंड द स्काई ऑल्सो सीम टू मीट एट अ डिस्टेंट पॉइंट बट एक्चुअली द वाटर एंड द स्काई नेवर मीट। सी दिस बॉय स्टैंडिंग नियर अ सी शोर, ये सी के पास में यहाँ खड़ा है, और जब ये बॉय देख रहा है, व्हेन दिस बॉय इज सीइंग व्हाट ही सीज दैट वाटर एंड द स्काई सीम टू मीट एट अ डिस्टेंट पॉइंट, ये देख रहा है कि वाटर, पानी और स्काई ऊपर में ये भी एक डिस्टेंट पॉइंट में मिल सकता है, एक इस पॉइंट में जाके मिल सकता है, ऊपर स्काई एंड नीचे पानी, तो वाटर एंड स्काई एक जगह आके मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वाटर और स्काई नहीं मिल सकते हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड अ कोस्ट, ऐसा प्लेस जहां वाटर एंड लैंड, ये सी है और ये क्या है, लैंड है, ये लैंड है, तो लैंड एंड सी जहां पर भी मिलता है तो उस लाइन को बोलते हैं, यहाँ पर मिल रहा है सी और यहाँ लैंड है, तो सी और लैंड कहाँ पर मिल रहे हैं, हियर, हियर द वाटर एंड सी एंड द लैंड मीट, दो सो वेयर सो दिस इज द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। इस जगह को, इस मीट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोस्ट, जहाँ पर लैंड और सी मीट करता है, इस लाइन को, इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्ट। ओके, सो अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22nd ऑफ अप्रैल, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, कब अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22nd अप्रैल को। ओके, क्विक रिकैप, द अर्थ इज अवर होम, अर्थ हमारा घर है, यू ऑल नो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एनिमल्स हम सब कहाँ रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड लैंड एयर एंड वाटर टू लिव, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड लैंड एयर एंड वाटर टू लिव, हम सारे लिविंग बीइंग्स को, सबको ज़रूरत पड़ती है लैंड की, एयर की एंड वाटर की। ओके, हम सबको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड रहने के लिए, एयर सांस लेने के लिए, हवा एंड वाटर। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, अर्थ किससे किससे बनता है, लैंड वाटर एंड एयर से। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है, गोल है, बॉल की तरह। ओके, लर्न दिस न्यू टर्म्स। ओके, एंड दिस इज एक्सरसाइज, डू इट आफ्टर रीडिंग दिस केयरफुली, डू इट बाय योर ओन। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।